गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। जैसा कि कल हमने आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 की प्रॉब्लम नंबर 1-2 बताया था, आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 पे आ जाएंगे। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड द अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। Each is shaped like a cylinder and two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। इसमें ये कह रहा है कि ये एक गुलाब जामुन है जिसका एक सिलेंडर में दो पार्ट जो है वो हेमिस्फेरिकल, सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर 2.8 cm दिया, रेडियस 1.4 cm होगा, हाइट चूंकि टोटल हाइट 5 cm है उसमें से हेमिस्फीयर की हाइट सेपरेट हो जाएगी, 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 5 माइनस 2.8 यानी 2.2 cm और हेमिस्फीयर का रेडियस 1.4 cm, अच्छा रेडियस ही उसकी हाइट होती है। ये एक गुलाब जामुन है तो पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके बाद 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दो पार्ट हेमिस्फीयर है तो 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर प्लस 2 × 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस 4/3 आर हो जाएगा, पाई आर की वैल्यू 1.4 का होल स्क्वायर, ब्रेकेट में एच की वैल्यू 2.2 प्लस 4 × 1.4/3 पाई 1.96, ब्रेकेट में 6.6 प्लस 5.6/3 1.96 इंटू 12.2 पाई बाई 3। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू 1.96 इंटू 12.2 पाई बाई 3, 3 × 3 = 15 का 15 पाई इंटू 1.96 इंटू 12.2 15 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2 7 × 7.28 1.96 कैंसिल हो जाएगा 0.28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, 45 गुलाब जामुन का जो है वो वॉल्यूम आ गया। आप कह रहा है कि जो सिरप इस्तेमाल होगा वो 45 गुलाब जामुन के 30% के बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, यानी 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है 1127.28 इंटू 30/100, यानी ये आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 338.184 आएगा, अप्रॉक्स में 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली इतने सिरप का यूज होगा। फिर प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहा है कि ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबोर्ड। एक पेन स्टैंड है जो क्यूबोर्ड के शक्ल में है, लकड़ी से बना हुआ है विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, और पेन रखने के लिए 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबोर्ड आर 15 cm 10 cm एंड 3.5 cm। क्यूबोर्ड की लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ इस डिप्रेशन इज 0.5 cm एंड डेप्थ इज 1.4 cm। अच्छा जो कोनिकल डिप्रेशन है उसका रेडियस 0.5 cm है और हाइट 1.4 cm। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, कह रहा है पूरे स्टैंड का वॉल्यूम क्या है, जो कोनिकल डिप्रेशन 4 बनाए गए उनके वॉल्यूम को अगर क्यूबोर्ड के वॉल्यूम से सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड आ जाएगा। देखिए कैसे, क्यूबोर्ड में लेंथ 15 cm, ब्रेथ 10 cm, हाइट 3.5 cm, कोन में रेडियस 0.5 cm, हाइट 1.4 cm, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड एल बी एच 15 × 10 × 3.5 यानी 525 cm³। ये क्यूबोर्ड का वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन इज इक्वल 4 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लगा देंगे 4 × 1/3 पाई इंटू 0.5 × 0.5 × 1.4 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.25 × 1.4 7 × 7.2 का कैंसिल हो जाएगा, यानी 4.4/30 4.4/3 पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया 22/15 यानी 1.47 cm³। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड माइनस 4 × वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन,
525 माइनस 1.47 यानी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, उल्टे कोन में एक बर्तन जो है उल्टे कोन के शक्ल का है। इट्स हाइट इज 8 cm, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपनड इज 5 cm, इसके टॉप जो खुला हुआ है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद द वाटर आर टू द ब्रिम, और ब्रिम तक पानी भरा हुआ है। व्हेन लेट शॉट ईच व्हिच इज स्क्वायर ऑफ रेडियस 0.5 cm आर ड्रॉप इनटू द वेसल, जब इसमें शार्ट स्पेरिकल शार्ट डाले जाते हैं, लेड शार्ट डाले जाते हैं जिनका रेडियस 0.5 cm है, तो कुछ पानी वेसल से बाहर निकलता है। 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट यानी 1/4 भाग जो है वो पानी बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शार्ट ड्रॉप इन द वेसल, बर्तन में कितने लेड शार्ट स्पेरिकल लेड शार्ट डाले गए ये निकालना। ये देखिए आपका फिगर है, बेस का रेडियस 5 cm है तो रेडियस 5 cm, हाइट जो है आपका 8 cm है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एज 1/3 पाई आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर इनटू 8 यानी 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ कोन आती है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शार्ट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब यानी 2/3 पाई आर की वैल्यू 0.5 का होल क्यूब यानी 2/3 पाई इनटू 0.125 यानी ये आपका हो जाएगा 0.250/3, 3 जीरो हटाएं लगाएंगे पॉइंट हटा देंगे तो ये 250/3000 और ये आपका आ जाएगा π/6। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, कितना पानी बाहर निकला, 1/4 निकला, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन यानी 1/4 इंटू 200 π/3 यानी 50π/3 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ शार्ट लेड शार्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो बाई वॉल्यूम ऑफ ईच शार्ट, 50π/3 / 6 π/3 × 6 π/π, π कहते 3 × 3 × 2 यानी 100 शार्ट वेसल के अंदर डाली गए।